बांदा में केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आगामी नवदुर्गा के त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई। आपको बता दें कि आगामी 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। शहर में करीब 2 सैकड़ा देवी पंडाल सजाए जाएंगे, जिसको लेकर के आज केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और मांग की है कि सभी पंडाल में महिलाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए, 9 दिन तक विद्युत कटौती ना की जाए और विसर्जन स्थल पर साफ सफाई व सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं व दोनों टाइम पानी की सप्लाई की जाए। इस तरह की तमाम समस्याओं को लेकर समिति ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा। इस मौके पर राजकुमार शिवहरे, पूर्व विधायक संरक्षक अमित सेठ, भोलू अध्यक्ष कल्लू सिंह, राजपूत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस तरह का ज्ञापन था बांदा केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय को आगामी 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही नवदुर्गा महोत्सव के जो विभिन्न समस्याएं उसके संदर्भ में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्या क्या समस्याएं थी? तमाम समस्याएं, क्योंकि बांदा में हमारे यहाँ 350 पंडाल लगते हैं, उनमें साफ सफाई, रोडों में तमाम गड्ढे हैं, तार नीचे हैं, बिजली के तार हैं, हमारा विसर्जन घाट है, विभिन्न समस्याओं के लेके कि उस दिन भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित हो, लाइट कटौती से मुक्त रखा जाए, मांस मदिरा की दुकानें बंद रखी जाए और रोडों को दुरुस्त किया जाए, जो तार नीचे झूल रहे हैं उनको सबको बांधा जाए, तमाम समस्याओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि शीघ्र इसके निस्तारण किया जाएगा, जो संबंधित अधिकारी उनको दिशा निर्देश देंगे। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।